नमस्कार, हिंगूटी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप मानव शरीर के रोग व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे काली गर्दन और अंडर आर्म्स के घरेलू उपाय के बारे में। जिन लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है उनकी गर्दन के आसपास मैल जमने लगती है जिसके कारण गर्दन धीरे धीरे काली पड़ जाती है। ऐसा ही अंडर आर्म्स के साथ भी है। स्वेटिंग के चलते वो डार्क होने लगते हैं जिसके चलते आप स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन पाते हैं। वैसे अंडर आर्म्स के काले पड़ने का एक और कारण हो सकता है हेयर रिमूवल के लिए रेजर का इस्तेमाल। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा उपाय जिससे आप कुछ दिनों में ही इस स्किन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। काली गर्दन और अंडर आर्म के घरेलू उपाय। आपको एक चम्मच नारियल तेल लेना है, फिर उसमें एक चम्मच टूथपेस्ट और आधा चम्मच नमक मिलाकर गर्दन और अंडर आर्म में लगा लीजिए। फिर आप एक आधा लेमन लीजिए और उससे 10 मिनट तक रब करके साफ पानी से धो लीजिए। ऐसा आप हफ्ते में एक बार कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट 15 दिन में नजर आने लग जाएगा। एलोवेरा जेल हर तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट में काम आता है। यह आपको आसानी से किचन गार्डन में मिल जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एलोवेरा गर्दन और अंडरआर्म्स के काले कर देने वाले एंजाइम को लॉक करता है। इससे धीरे धीरे गर्दन का कालापन फीका पड़ने लगता है। बस आपको रोज एलोवेरा की पत्ती तोड़कर जेल निकालकर 10 से 20 मिनट के लिए गर्दन पर मालिश करना है। एलोवेरा और खीरे का इस्तेमाल करके आप इससे निजात पा जाएंगे। एलोवेरा जेल और खीरे का रस साथ में लगाने से भी काली गर्दन साफ हो जाती है। इसे साथ में लगाने से उस हिस्से में चमक आती है, साथ में स्किन की ड्राइनेस भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम समय समय पर आपको अनेक औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।